हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 13 प्रो का केस लॉजी का वॉल्ट केस। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं केस को कैसा दिखता है। इसके ऊपर केस लॉजी की ब्रांडिंग है। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, जो केस लॉजी है वो भी स्पाइजन का ही एक ब्रांड है। यहाँ मेंशन है आईफोन 6.1 इंचीज P2021 जो कि इसका मॉडल नंबर है। बैक साइड पे देखने को मिलते हैं कुछ बारकोड्स और यहाँ मेंशन है इसका प्राइस विच इज 1799, बट एक्चुअली अमेजोन पे ये 1200 से 1300 रुपए के बीच में नॉर्मली मिल जाता है और मुझे एक बहुत अच्छी डील मिल गई थी तो इसके लिए मैंने पे किया है सिर्फ 970 रुपीज। दिस केस इज मेड इन साउथ कोरिया। केस में सबसे पहले आपको मिलती है एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन विच सेज वेलकम टू द क्लब, वी आर हैप्पी टू हैव यू। और यहाँ मिलती है केस लॉजी की ब्रांडिंग। ये एक्चुअली एक छोटा सा वेलकम कार्ड है जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी नाइस जेस्चर। और अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं या कोई फीडबैक है तो आप इस ईमेल आईडी में उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। caselogicases.com ये केस लॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड दिस इज आईफोन 13 प्रो केस। इसके अंदर कुछ ग्लॉसी इस तरह से लाइंस बनी हुई हैं। केस के बैक साइड पे ब्लैक कलर का मैट फिनिश टेक्सचर है। ये केस दो कलर्स में आता है, ब्लू और ब्लैक, बट मैंने इसे ब्लैक में ऑर्डर किया है क्योंकि आई थिंक ये मेरे ग्रेफाइट आईफोन 13 प्रो के साथ ज़्यादा मैच करेगा, लेकिन आप अपनी कलर चॉइस के हिसाब से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये केस होल्ड करने में काफ़ी प्रीमियम फील देता है। एक्चुअली स्पाइजन के जितने भी केसेस होते हैं किसी भी मोबाइल फ़ोन्स के लिए, वो काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लुक आपको देते हैं और ये फ़ोन को होल्ड करने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो चलिए अब इस कवर को मैं आईफोन पे लगा लेता हूँ और देखते हैं कैसा लगता है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो गया है आईफोन पे। इस केस की ओवरऑल फील बहुत ही प्रीमियम है। बैक साइड पे ये एक सीमेंटेड टेक्सचर है जैसा कि केस लॉजी इसे एडवर्टाइज करता है और ये पकड़ने में काफ़ी ग्रिपी है, मतलब ये इजीली आपके हाथों से स्लाइड नहीं होगा। इस कवर के ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो इसके जो बटन कटआउट्स हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से बने हुए हैं और कवर लगाने के बाद बटन प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि लगाने के बाद ये बटन प्रेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बट दिस इज़ रियली गुड। यहाँ पे कुछ बार्स की तरह डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पे दो होल्स भी दिए हुए हैं, पता नहीं ये लैनयार्ड के लिए हैं या माइक्रोफोन के लिए है, आई एम नॉट श्योर। नीचे से कट्स बिल्कुल प्रॉपर हैं, लाइटनिंग पोर्ट के लिए जो ओपनिंग है और स्पीकर ग्रिल बिल्कुल इजीली यहां से विजिबल है। ये केस कैमरा मॉड्यूल को भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसके जो एजेस हैं वो इस तरह से रेज्ड हैं। अगर आप अपने फोन को इस तरह से फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो कैमरा जो है वो सरफेस को टच नहीं होगा और ये जो रेज्ड एजेस हैं ये आपके कैमरा को स्क्रैचेस से बचा लेंगे। और एग्जैक्टली इसी तरह से इसका जो फ्रंट का एरिया है ये भी थोड़ा सा रेज्ड है। अगर आप अपने फोन को अपसाइड डाउन इस तरह से फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है वो सरफेस को टच नहीं होगी और उस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। ये केस वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें बना देती हैं इस केस को एक परफेक्ट केस फॉर योर आईफोन 13 प्रो। अगर आप भी इस केस को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।